Hey guys, lost in heaven here and I'm a bit sick. कोविड तो नहीं है, टेस्ट किया था मैंने कल, कोविड नहीं है, लेकिन शायद से मैंने कुछ बटर वाला खाना खा लिया, उसके ऊपर मैंने पानी पी लिया ठंडा, हो सकता है. तो अभी फुल ऑन ग्रीन टी चल रही है. अदरवाइज ये है होटल, सो आई थिंक माई बेस्ट रूम टिल नाउ. छोटा है पर इट्स अमेजिंग. 20 स्विस फ्रैंक का, तो अराउंड 20 डॉलर्स का पर नाइट. थोड़ा सस्ता मिल गया, 21 20 22 के करीब रहता है. कोई विंडो नहीं है, बट आई कैन शो यू दिस नाइस रूम, वेरी कोजी इन. इट्स कॉल्ड IQ होटल और यह है कीव में, रेलवे स्टेशन से काफ़ी पास है. तो मेरा प्लान तो ये है कि कल मैं किसी दूसरे शहर में निकलूँ, बट देखो अगर थोड़ी तबीयत ठीक होती है तो, इफ़ आई फील बेटर, बिकॉज थोड़ी लंबी राइड है, 6 से 7 घंटे लगते हैं ट्रेन से. अदरवाइज यूक्रेन ट्रेन में आपको दिखा पाऊंगा उस व्लॉग में, बट लेट मी शो यू फास्ट दिस रूम अराउंड हियर. सो ये है बाथरूम, ये है फोर्थ फ्लोर, नहीं बेसमेंट में है रूम विदाउट विंडो का, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन बहुत ही कोजी है, मेरे को काफ़ी पसंद आया. और ये मेरे को सेटिंग बहुत ही अच्छी लगी. टीवी है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया टीवी है, एक्चुअली बहुत ही बढ़िया है. म्यूजिक भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि सराउंड साउंड है यहाँ पे, मज़ा आता है, ऐसा लगता है बेसमेंट में पूरे पार्टी हो रही है. और ये काफ़ी बढ़िया बेड है, काफ़ी कोजी बेड है. अगले दिन जैसे तैसे बस पकड़ के पहुंचा मैं वेस्ट यूक्रेन के एक छोटे से गांव में जिसका नाम था लुत्स्क. यूक्रेन में आप इजीली लोकल बसेस भी यूज कर सकते हैं जिसका टाइम टेबल आपको गूगल मैप्स में आसानी से मिल जाएगा. तो गाइस इसको कहते हैं मरुष्का या बपू मरुष्का बोलते हैं शायद. और बेसिकली ये नॉर्मल बसेस नहीं है, नॉर्मल सिटी बसेस अलग से रहती हैं. ये बसेस हैं जो कि प्राइवेट बसेस हैं शायद. और इसमें आपने जैसे देखा टिकट या तो कार्ड चलता है या तो पैसे देने रहते हैं. एक बार का टिकट रहता है 8 यूक्रेनियन करेंसी, जो कि अराउंड 0.30 सेंट, और वो आपको एक तरफा राइड देती है, जितना चाहें आप उसमें राइड कर सकते हैं. अब हम जा रहे हैं एक सुपर मार्केट, तो मैं आपको वहाँ का टूर दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें कितने कितने में मिलती है यूक्रेन में, और आपको कितना बजट करना पड़ सकता है, या फिर लोग कितना स्पेंड करते हैं ग्रोसरीज में. लेट्स सी. तो शुरुआत करते हैं आपकी सबसे फेवरेट दारू से. एक रेड लेबल की बोतल पड़ेगी 840 रुपए की और वैलेंटाइन की बोतल पड़ेगी 980 रुपए की. लोकल ब्रांड आराम से मिल जाएंगे 200 रुपए के करीब. बीइंग ए यूरोपियन कंट्री, बियर इज क्वाइट चीप, ये आपको पड़ जाएगी 40 रुपए से लेके 80-90 रुपए के बीच में. चखने के लिए ओरियो बिस्किट आपको पड़ेंगे 26 रुपए में, और अगर M&M चबाने हैं तो आपको मिल जाएंगे 126 रुपए के करीब. ₹97 की मिलेंगे 1 किलो टमाटर और ₹70 के करेले. बैंगन थोड़े महंगे हैं 211 के, और ब्रोकली आपको मिलेगी 65 में. 10 अंडे सिर्फ 60 के, इसका मतलब एक अंडा सिर्फ 6 का. यू कैन नॉट ड्रिंक नलके का पानी, इसलिए पानी की बोतल 1 लीटर की आपको पड़ेगी 40 में. 80 का 1 लीटर दूध और अराउंड 80 के 800 ग्राम चावल. 2-3 दिन लुत्स्क में चिल मारने के बाद आई वॉज रेडी टू मूव ऑन टू लिवीव, बट टू फाइंड माई बस वॉज अनदर एक्सपीरियंस. ऑलराइट, फाइंडिंग अ बस इज अ बिट चैलेंजिंग, लेकिन मैंने अभी भी जहाँ पे बुक किया हुआ था, बेसिकली आई बुक इट ऑनलाइन, तो मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने लोकल कंपनी को फ़ोन किया, फिर उन्होंने मुझे बस का नंबर बताया बेसिकली, एंड देन आई वॉज एबल टू फाइंड इट. बट लेट्स सी मैं एंटर हो पाता हूँ कि नहीं, क्या काफ़ी सारे लोग लाइन पे लगे हैं. और ये छोटी बस है, मुझे लगा था बड़ी बस होगी, बट आई थिंक इट्स मोर लेस लोकल बस, बट शुड बी फाइन. लेट्स सी. वेल अपेरेंटली नॉट एवरीथिंग वॉज फाइन, एंड दिस वॉज माई वर्स्ट बस एक्सपीरियंसेस एवर. शायद मैंने एक लोकल बस बुक कर ली थी जो कि हर स्टॉप में रुक रुक के लोगों को भर भर के लेके जा रही थी, जहाँ 2 घंटे का सफर मैंने अराउंड 6 से 7 घंटे में कम्प्लीट किया.
ऑलराइट गाइस, वेलकम टू लिवीव। मैं आया कल रात को और आज सुबह मैंने सोचा अभी बज रहे हैं एक, मैंने कहा लंच करते हैं और ओल्ड टाउन की तरफ चलते हैं बिकॉज इट्स अ वेरी नाइस सिटी। कल्चरली बेसिकली कल्चरल कैपिटल है यूक्रेन की। और जैसे मैं बाहर आया इट्स रेनिंग। Lviv is a beautiful city situated in West Ukraine right next to Poland. Seriously, for couples, agar aap budget mein travel karna chahte hain, you do not have that much money to spend in Europe, go to Lviv. अब हम हैं मार्केट स्क्वायर के बगल में और मेरे पीछे जो आपको बिल्डिंग दिख रही है इसमें आपको दिख रहा होगा काफी ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप का मिक्सचर, क्योंकि लिवीव काफ़ी पास है पोलैंड के और वेस्ट यूरोप के। तो पुराने टाइम पे ऑस्ट्रियन और हंगेरियन कल्चर और आर्किटेक्चर आपको पूरी सिटी में दिखेगा आराम से। ये है यहाँ का सिटी हॉल एंड द बेस्ट वेंटेज पॉइंट टू सी द एंटायर सिटी। सिर्फ एक दिक्कत है कि आपको कम से कम 15 माले की चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। ओके, थोड़ा टाइट है चलने के लिए। 40 कितना $1 दिया एंट्री के लिए, टावर में एंट्री के लिए। सो लेट्स सी व्यू कैसा रहता है। ये मेन सिटी स्क्वायर, पीछे ओल्ड टाउन था जहाँ पे अभी हम घूम रहे थे और आज काफ़ी यहाँ पे काफ़ी लाइव लिए। मैं शायद गलत जगह पे था, बट दिस लुक्स वेरी नाइस। तो यहाँ पे बेसिकली एंटीक आर्म्स रखे गए हैं, पुरानी सेंचुरी के प्रोटेक्टिव गियर, स्वॉर्ड्स वगैरह, क्रॉसबो एक्सेट्रा। तो बेसिकली गेम ऑफ थ्रोन्स का जो भी कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है वो सब यहाँ पे रखा गया है म्यूजियम में देखने के लिए। एंट्री 50 से लेके 100, एटलीस्ट 2 से लेके $4 के बीच में। और खाने की जहाँ तक बात है तो इंडियंस आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी को भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूक्रेन में आपको हर चीज़ मिलेगी। इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ लिवीव में भी हैं, कीव में भी हैं, उसके अलावा KFC है, मैकडोनल्ड्स है, जो भी आप रेस्टोरेंट पसंद करते हैं बर्गर्स वगैरह के लिए या फिर एशियन इटालियन। लेकिन खाने के लिए मेरे को लगता है एटलीस्ट यूक्रेन में इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जैसे मैसेडोनिया में थोड़ी सी हो सकती है। लिवीव में 2 इंडियन रेस्टोरेंट हैं और दोनों इंडियन रेस्टोरेंट के सामने सड़क पूरी खुदी पड़ी है और ज़्यादा मैंने लोग नहीं देखे। दिस इज़ वन ऑफ द इंडियन रेस्टोरेंट जो मैं अभी खाने जा रहा हूँ लंच। सो गाइज, ऑल इन ऑल मैं स्पेंड कर रहा था अराउंड $40 अ डे, लेकिन अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं ऑफ कोर्स यू कैन मैनेज इट वे लेस देन दैट एज वेल। तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली यू लाइक इट। इफ यू डिड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में।